Madan Gopal. Madan Gopal, Madan Gopal, Sharad Poonam ki raat, Gagan par chanda muskaaye. स्वर्ग में कामदेव अपनी विजय के ऊपर कि आज तक मुझे कोई हरा ही नहीं पाया, गर्वित होकर झूमते हुए चल रहे हैं, अहंकार में अपने ही मद में चूर होकर. इतने में नारद ऋषि आते हैं, कहते हैं क्यों पुष्प धनवा, बहुत इखला के चल रहे हो. काम कहते हैं, कामदेव कहते हैं क्यों ना चलो, कोई सृष्टि में ऐसा है ही नहीं जिसे जो मुझ पर विजय प्राप्त कर चुका. ठीक है, शंकर जी ने मुझे जला दिया, अनंग बना दिया बिना शरीर के, लेकिन मेरे भाई क्रोध ने तो उनको हिला ही दिया. नारद जी कहते हैं देखो, यदि तुम, मैं तो तब मानूंगा कि तुम बिल्कुल विजेता हो. आज धराधाम प्रशस्ति में जाओ और वहां जाकर एक बालक को तो देखो. कामदेव कहता है क्या वो बालक इतना सुंदर है कि मुझसे भी ज्यादा. नारद जी कहते जाओ तो सही एक बार. और अहंकार का स्वभाव होता है, कोई अगर उसके सामने किसी की प्रशंसा कर दे उसे बर्दाश्त नहीं होते. परिणाम क्या, नारद जी वो पूछते हैं कामदेव कहाँ जाना है. बोले जम्बूद्वीप में ब्रजमंडल में. क्या है, फिर पूछते हैं कामदेव क्या कोई तपस्वी फिर से तपस्या में रत है जो मुझे हराने के लिए, किसी की तपस्या भंग करनी है मुझे. बोले ना ना ऐसा कुछ नहीं, एक बालक है इतना सुंदर है वो, जाकर देखो तो सही, कोशिश करना कि तुम उसे भी हरा पाओ. लेकिन अभी से कह देता हूं काम, तुम उसका स्पर्श भी नहीं कर पाओगे. इतना सुनना था कि अहंकार के ऊपर जब चोट पड़ती है, कामदेव काम के पांच बाण माने जाते हैं. सुखद वातावरण, सुगंध हो, अच्छा मौसम हो, संगीत नृत्य स्पर्श, ये सब उसकी कलाएं हैं, अप्सराएं, सौंदर्य भी साथ में होना चाहिए, तभी काम विजेता बनता है. लेकिन अहंकार पे चोट लगती है, इतना खिसिया जाता है कि ये अपने पांचों बाणों को वहीं छोड़कर सीधा भाग जाता है. आकाश मार्ग से देखता है ब्रज मंडल को, वहां के बाहर के वातावरण को देखकर ही वो चकित हो जाता है कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि इतने सुंदर वातावरण का मैं निर्माण कर सकूं. शरद पूनम की गगन पर चन्ना मुस्काए, सजे अनुपम साथ सावरिया यमुना तट आए, सावरिया यमुना तट आए. जैसे ही कामदेव की नजर श्याम सुंदर पर पड़ती है, विस्मित अचंभित जड़ता आ जाती है उसके अंदर, ऐसा रूप माधुर्य लावण्य मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी. उसी क्षण एक मन में भाव आता है उसे, काश इस रूप राशि की मुझे एक किरण भी मिल जाती, मैं इनका बेटा ही बन पाता. अंतर्यामी श्याम सुंदर मन ही मन उसे आशीर्वाद दे देते हैं, जा तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी होगी. शरद पूनम की रात
गगन पर चंदा मुस्काए सजे अनुपम साज सावरिया यमुना तट आए। वातावरण कैसा मलयज सौरभ मंडित पथ पथ चलत समीर भुलाई जूही मल्लिका रजनीगंधा की कण कण बास समाए। काम कब उद्दीप्त होता है, बढ़िया मौसम हो ज्यादा गर्मी में भी मजा नहीं आता, ज्यादा ठंड हो नहीं मजा आता, वातावरण में दुर्गंध हो नहीं मजा आता, लेकिन वहां की सुगंध कैसी। काम सोचता है कि मेरी सुगंध मेरे पुष्पों की सुगंध चंद दूरी तक, लेकिन ये यहाँ के पुष्प भी कितने दिव्य के पूरे जैसे सृष्टि को ही महका रहे। वातावरण इतना बढ़िया टेम्परेचर, यानी कि काम सोचता है ठीक है मैंने कुछ नहीं लाया कोई बात नहीं, यहाँ का तो मामला ही विचित्र है। मलयज सौरभ मंडित पथ पथ चलत समीर भुलाई जूही मल्लिका रजनीगंधा की कण कण बास समाई। और पंकज कोश खिले बिन तरणी कमल के पुष्प भी अंधेरे में ही विकसित हो रहे हैं, तरणी यानी बिना सूर्य के ही। बड़ा अचंभित है कामदेव, सब कुछ यहां मामला ही अलग है। पंकज कोश खिले बिन तरणी भावरन भीर बढ़ाई कदली स्वर्णलता उर्जानी मानोले बलाई मानोले बलाई। इतने में बजी मुरली का तार फिर कामदेव चंबित, ऐसा संगीत ये रव ये नाद बजी मुरली गाता मधुर स्वर कसत हृदय जय। ये मुरली का सप्तम स्वर सारे ब्रह्मांडों को झकझोर के रख दिया, जैसे प्रकृति का कण कण नाच उठा हो। बजी मुरली गाता मधुर स्वर कसत
मदन गोपाल मदन गोपाल मदन गोपाल मदन गोपाल मदन गोपाल मुरली का नाद कैसा शिव शंकर छाड़ी दियो डमरू शिव शंकर छाड़ी दियो डमरू तजू शारदा मीणा को भाजन लागी तजू मीणा को शारदा भाजन लागी ध्वनि पूरी नभ पाताल में ऋषि नारद के सिर गाजन लागी ऋषि नारद के सिर गाजन लागी जड़ जंगम मोहि लिए सब ही चाहे वो जड़ था या चेतन बस विभोर हो गया पत्ता पत्ता कण कण बिंदु बिंदु पात पात सब विभोर हो गए जड़ जंगम मोहि लिए सब ही यमुना जल रोक के राजन लागी हरे कृष्ण जबे ब्रिज मंडल में हरे कृष्ण जबे ब्रिज मंडल में ब्रिज राज की बांसुरी बाजन लागी ब्रिज राज की बांसुरी बाजन लागी चंदा की चांदनी में यमुना के तीरे 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 मस्ती से बंसरी बजाए धीरे धीरे 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 मधुबन के कुंजन में मनहर की बातें मधुबन के कुंजन मनहर की बातें छोटे से कन्हैया की ऊंची ऊंची बातें छोटे से कन्हैया की ऊंची ऊंची बातें मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल मदन गोपाल राधे राधे गोविंद हरि मदन गोपाल राधे राधे गोविंद हरि मदन गोपाल राधे राधे गोविंद हरि मदन गोपाल मदन गोपाल जैसे ही वातावरण में मुरली के स्वर गुंजारित हुए गोपियों के कानों में पड़े बांसुरी की तानन के कानन में पड़त ही बांसुरी की तानन के कानन पड़त ही जो जस रही सो धाई तस रीत में
जो जस रही सो धरई तस रीत में, वहां को तन को संभार भूलियो और कुल को खंभार भूलियो, काल को विचार भूलियो यामिनी भयभीत में। प्रेम क्या उद्दीपन और जागरण सभी साथ में हो गया, वो प्रेम का स्वभाव है। प्रीतम बुलाए, प्रीतम आवाहन करे और प्रेमी रह जाए। जो जस रही सो धाई तस रीत में, तन को संभार भूलियो, तन की सुधि भी सर गई, कुल का खंबार, कुल की मर्यादाएं भी, और काल को विचार, ये समय जाने का है कि नहीं, सब कुछ बिसर गया। तन को संभार भूलियो, कुल को खंभार भूलियो, काल को विचार भूलियो यामिनी भयभीत में। वे चली वरवश होके रुकी ना कहू के रोके, चली वरवश होके रुकी ना कहू के रोके, विवश कुरंग जी मिसारंगी के गीत में। ललित विहारिणी वे पीवन पीयूष पहुंची, पीयूष यानी अमृत। ललित विहारिणी वे पीवन पीयूष पहुंची, प्राणंते प्यारे पिया प्रीतम की प्रीत में, प्राणंते प्यारे पिया प्रीतम की प्रीत में। क्यों आई? फल आई युगों की साधना, फल आई युगों की साधना, कालिंदी तट भी। क्यों दौड़ी आई? युगों की साधना थी, रामावतार से उनके मन की आकांक्षा थी कि इस रूप माधुर्य का हम भी पान कर पाए, लेकिन रामावतार मर्यादा की लीला थी। ठाकुर ने मन ही मन उन्हें भी वरदान दे दिया कि इस लीला में तो संभव नहीं, द्वापर में कृष्णावतार में सबकी मनोवांछा की पूर्ति करूंगा। ये पुराना राग, ये पुरानी स्मृतियां मुरली के माध्यम से, जब वो स्मृतियां जागृत हुई तो कैसे रुक सकती थी। की साधना कालिंदी तट।
तुम्हारी अति आतुर है चलती शाम पे तन मन धन की सुधि बिसारी तन मन धन की सुधि बिसारी। जिस जिस का नाम मुरली में श्याम सुंदर ने लिया वे ही गोपियां दौड़ के गई। उनकी सास भी थी, ननन भी थी, जिठानी भी थी, वे भी सब गोपियां ही हैं। लेकिन जिससे ईश्वर का राग हो नाम उसी का लिया। यही पूर्व राग पूर्व स्मृतियां श्रीमद् भागवत में भी आती है बार बार में। और गई तो किस तरह गई, गले को हार पहन कमर में, गले को हार पहन निज कटी में, कटी की किंकणी गले में डारी, कटी की किंकणी गले में डारी, पग पायल ले धारत कर में, पग पायल बांधी हाथन में, और हाथ की पहुंची पांव में डारी, और हाथ की पहुंची पांव में डारी, कान गुलाब जो लाली होती ना रूस लगाना तो गाल पे था, लेकिन कान गुलाब गाल पर बेंदी, कान गुलाल गाल पर बेंदी, नाक में पहनी कान की बाली, नाक में पहनी कान की बाली, एक नैन अंजन पिंसो है, एक नैन अंजन पिंसो है, एक नैन काजल है धारी, को भोजन पति पर सत दौड़ी, को भोजन पति पर सत दौड़ी, को जेवत कर ग्रास सिधारी, नारायण जो जैसी होती, नारायण जो जैसी होती, सो तैसी उठ के वन को सिधारी, सो तैसी उठ के वन को सिधारी। क्यों सिधारी? फल आई युगों की साधना, कालिंदी तट भीर मुरलिया बाजी रे बाजी रे बाजी, यमुना के तीर मुरलिया बाजी रे बाजी रे बाजी, यमुना तीर चंदा की चांदनी में यमुना के तीरे, चंदा की चांदनी में यमुना के तीरे, मस्ती से बंसुरी बजाए धीरे धीरे, मस्ती से बांसुरी बजाए धीरे धीरे, मधुबन के कुंजन में मनोहर की बातें, मधुबन के कुंजन में मनोहर की बातें, छोटे से कन्हैया की ऊंची ऊंची 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 बातें, गोविंद गोविंद
आकाश में कामदेव सब चीजें देख रहे हैं कि उसका संगीत भी यहाँ फैल, उसका वातावरण का सुगंधित होना, फूलों का खिलना, मौसम का अनुकूल होना, सब यहाँ फैल पे फैल होता जा रहा है। फिर वो सोचता है कि काश मैं कुछ अप्सराएं ले आता तो इस बालक का इम्तिहान ढंग से ले पाता। उसकी नजर सहसा जाती है कि सारी दिशाओं से गोपियां अस्त व्यस्त श्रृंगार बनाए दौड़ी चली आ रही है। उनके एक एक की जब वो आभा प्रभा विभा देखता है, कल्पना से बाहर, सोचता है कि मेरे पास जितने भी तरकश में तीर हैं, ऐसी तो कोई अप्सरा है ही नहीं कि जो इनके नक का भी मुकाबला कर सके। ऐसा रूप और उसमें इतनी तीव्रता, उत्कंठा, प्यास, अभिप्सा, यहां भी वो कल्पना से परे उसके। फिर सोचता है चलो कोई बात नहीं, रात का समय है, एकांत है, जंगल है, बालक भी नव किशोर है, ये युवतियां यहां आएंगी, शायद मेरी बात बन जाए। लेकिन जैसे चारों तरफ से गोपियां दौड़ी आ गई, चारों तरफ श्याम सुंदर को घेर के खड़ी हो गई, कदम के नीचे खड़े, श्याम सुंदर ने देखा भी नहीं। फिर कामदेव को लज्जित होना पड़ा। उसने सोचा अब तो यहां मेरा काम ही नहीं, ये पलक उठाकर देख भी नहीं रहा, अब मेरा काम नहीं, चला जाता है वहां से, भाग जाता है। रास लीला का सीधा सीधा मतलब काम पर विजय है। गोपियां आकर खड़ी हो गई, श्याम सुंदर नहीं देखते, वो पैरों के नखून से जमीन कांपती है, थोड़ी आवाज होती है, श्याम सुंदर की आंख खुलती है, पूछते हैं स्वागतम वो महाभाग, हे गोपांगनाओं, ब्रिजांगनाओं, श्रीमंतनियों, इस घोर रात्रि में जंगल में तुम क्यों आई हो? क्या कोई तुम्हारी शाम को वस्तु खो गई जो घर वालों से को तुमने नहीं बताना और अकेले में ढूंढने आई हो? या ब्रिज के अंदर फिर से किसी राक्षस ने उत्पात किया है? क्यों आई हो यहाँ? बढ़ती हुई घोर विभावरी में सब एक ही संग सिधाई हो क्यों? सब एक ही संग सिधाई हो क्यों? वन में पशु जंतु घूमते हैं, ब्रज व्याघ्र से मार्ग बचाई हो क्यों? किसी राक्षस ने